आज मिलियन के लोग बात कर रहे हैं, कह रहे थे मिलियन हो गया, भाई हो गया, हाउ हो गया। स्टेज पे इंसान को अच्छे से गाना चाहिए, दारू पी के नहीं गाना चाहिए। अच्छी बात नहीं है दारू पी के गाना। आप कब क्या बोल जाओगे? एक रामायण में चौपाई है कि मति के गति रति भूत बढ़ाई, अजोजन जतन जहां ले पाई। जो जितना जानता है उतने में ही खेलता है। आज बोला हूं मैं थोड़ा बहुत, आप लोग मुझे क्षमा करिएगा। बोले सर एक नंबर, मैं चुप रहता हूँ। मेरे भाई सब बोलते हैं, मेरे भाई ये नहीं बोलने देते हैं। स्टेज पे ऐसे कर रहे हैं, क्या है ये? आप ही के पास है वो, सबके पास है ना। दारू पी के नहीं गाना चाहिए, गलत बात है। ये शिक्षा है जी, दारू पी के स्टेज पे गाना जाता है और ऐसे ऐसे शब्द। छी, मैं तो शर्म से मर जाऊं इस टाइप का शब्द बोलो। पहली बार जो भी हुआ है भोजपुरी में लेबल आया, पवन सिंह लाया है, और पवन सिंह ही लाएगा। और एक शब्द कि मेरे खींचे हुए लकीरों पे दुनिया चलती है। कुछ लोगों के अहंकार है कि वो लकीर खींचे हैं, तो भिखारी ठाकुर ने भोजपुरी के लिए कुछ नहीं किया, श्रद्धा सिन्हा जी ने कुछ नहीं किया, महेंद्र मिश्र जी ने कुछ नहीं किया, हनुमान पट्ठा ने कुछ नहीं किया, भरत शर्मा जी ने कुछ नहीं किया, गोपाल राय, मदन राय, हमारे मनोज तिवारी मृदुल जी जो कि भोजपुरी के वचन है, वो कहा जाए कि मैंने कहीं ना कहीं उन्होंने एक रास्ता बनाया। अगर वो ये शब्द बोलते तो शायद मुझे अच्छा लगता, रवि किशन जी बोलते तो अच्छा लगता, इनके दिनेश लाल यादव निरहुआ जी बोलते तो अच्छा लगता। तो ठीक है, बड़े होने से नहीं, कुछ लोग के शरीर बढ़ जाते हैं, बुद्धि का विवेक नहीं बढ़ता है। शरीर बढ़ने से इंसान बड़ा नहीं होता है। भोजपुरी इंडस्ट्री में 100 मिलियन सबसे पहले कौन देखा है? पवन सिंह। मैं मानता हूँ मेरी आवाज अच्छी नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों लोग पसंद करते हैं मुझे। मैं गाता अच्छा नहीं हूँ, फिर भी लोग पसंद करते हैं। मैं नाचता अच्छा नहीं हूँ, फिर भी लोग पसंद करते हैं। मैं कुछ अच्छा नहीं करता, फिर भी दुनिया मुझे प्यार करती है। तो ये आपको लगता है कि मैं कुछ अच्छा नहीं करता और मेरे पास कुछ अच्छा नहीं है, पर दुनिया को पता है, क्योंकि ये दुनिया, ये जनता सब जानता है कि आप क्या जानते हैं। तो ये अहंकार दिमाग से हटा दीजिए। माँ सरस्वती ने अच्छी आवाज दी है, उसके बाद क्या मिला? उसके बाद क्या है आपके पास? अब आप विवाद ही चाहते हैं तो ये ऐसे जो स्टेज पे करना और दारू पी के और लकीर खींचना लोग गाएंगे, तो मैं हिंदी के लोगों से गाना अपने बस अपने भाषा को बुलवाया, चाहे वो सलमान खान जी हों या बादशाह जी हों, मैंने अपने भाषा को बुलवाया बड़े बड़े स्टेजों पे, बड़े बड़े शो में, अपने गाने में। मैं फोटो तस्वीर शेयर नहीं करता किसी का, मुझे शौक नहीं है कि मैं इनके साथ तस्वीर खींचवा लूं। मैं उतना उस लेवल का बनना चाहता हूं अपने जनता और अपने पब्लिक और जनता के प्यार से, और मैं सबके लिए उतना ही सक्रिय हूं, उतना ही ईमानदार हूं। मैं अपने जनता के लिए भी उतना ही ईमानदार हूं, चाहे वो गरीबी हो। या मुझे स्टार्डम दिखाने का कोई शौक नहीं रहता है, क्या है घंटा है, कुछ भी शेर है, कौन सी मैंने क्या बे मतलब के, पर शर्म नहीं आती स्टेज पे दारू पी के कुछ भी बोलने में। क्या है, क्या हो गया है भाई? आप समाज की एक जाने माने हस्ती हैं, थे गोबर सिंह हो गए, कुछ भी। भगवान ने मुंह दिया है ना तो खाना और अच्छी शब्द बोलने का, पोटी नहीं करने का मुंह से है, कुछ भी। ये मेरा सूर्या यहाँ पे बैठा हुआ है, लव यू व्यास जी। अरे शकुंतला जी कुछ कहो, शकुंतला जी बोलिए शैली।
एक बार थोड़ा सा छुट्टी काट दीजिए, थोड़ा सा आप जाके यकीन हो रहा है, फाइनली सपना सच हो गया मेरा इनसे मिलने का। अच्छा, सोच के कुछ हमेशा बहुत 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 ज्यादा बड़ी वाली फैन हूं आपकी, बहुत ज्यादा बड़ी वाली फैन हूं। और आज मैं इस मंच से यह भी बोल रहा हूं, 5,000-2,000 में जाके दूसरे लैंग्वेज में लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। भोजपुरी से, भोजपुरी कलाकार हमारे ऑडियंस बनाए हैं, पता नहीं हमको पावर स्टार बोलते हैं, पता नहीं सुपर स्टार। मैं तो कुछ भी हूँ, जीरो हूँ, आप सबका आशीर्वाद हूँ, लेकिन मैं आज ये अनाउंस कर रहा हूँ इस मंच पे, जो आप लोगों ने भी कल्पना नहीं किया होगा उसको भी नचाऊंगा भोजपुरी में। भैया 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 राव उठा दे चार लाइन कि हवा देखी है लोगों ने, समंदर नहीं देखा, हवा देखी है आंधी का बवंडर नहीं देखा, अरे बड़ी और भी चीजें हैं जहां में कुएं के मेढकों ने समंदर नहीं देखा। हमने अपने माँ बाप से, बाबा से, दादा से यही सीखा है, यही सुना है। बाबू आप लोगन के भी हम बता दी, आम जब फल देला ना झुक जाता है, आम जब फल देता है तो झुक जाता है, वो कभी नहीं बोलेगा कि मैं बड़ा हूं, वो ऐसे हो जाएगा। लेकिन गढ़ा में रेण जौन होला ना, रेण का कहला तो आई देने वो रेण का आना होला जी, मैं फाड़ के जला दिया ना, एक के डढ़िया में 10 को फरी ऐसे हो जाए। तो मैं आप सबका आम हूँ, चुप रहता हूँ, साइलेंट रहता हूँ, लेकिन जिसको जो मजा चाहिए पवन सिंह का नाम ले लो, पवन भैया से आगे, पवन भैया से आगे, पवन सिंह से आगे, पवन सिंह से आगे जाने में दूसरा जन्म लेना पड़ेगा बेटा। झमकावला से हुई हमारे बीच हम सबके फेवरेट वॉइस अमृता दीक्षित का स्वागत अभिनंदन। आओ ट्रेंडिंग स्टार, और ये दुनिया जानती है मुझे, मुझे किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, और कि मैं चुप हूं, मैं चुप हूं, क्यों चुप है भाई, और बोले तो पोटी कर दिए, चुप थे तो ठीक था, और बोले तो एकदम स्टेज पे छितार दिए, लूज मोशन मुहावरे से कुछ भी। आप लकीर खींचने कौन होते हैं, लकीर खींचने वाले भोजपुरी आपके लकीर से चलता है, भोजपुरी में मैं जो कर दिया हूं वो दुनिया करेगी। कितने साल पुराने हैं यार, 150 साल से आज बड़का धरती पर तू है, 150 साल एलियन हो का तू, तू पैदा नहीं खो भाई, उतार ले बड़ो। लकीर खींचे की बात करते रहे मर्दे, कौन सा लकीर है आपका, अच्छे आवाज के अलावा कोई लकीर है आपके पास, क्या सीखेंगे हम आपसे वो बता दीजिए। अच्छा डांस करते हैं, अच्छी बॉडी है, अच्छा गाने के अलावा, अच्छी आवाज के अलावा क्या सिखाइएगा आप हमें वो बता दीजिए, हम सीखते हैं आपसे, दौड़बा हमारे संगे 2 किलोमीटर दौड़बा, समझ में आ जाए, दौड़ के देखाओ स्टेज प्रोग्राम के बाद बा, 1/2 किलोमीटर दूरी पर गायब 4 घंटा गई बो ना गा पाई बो। कंपटीशन हम उनसे करते हैं ना जो हमारे लायक होते हैं, जो हमें हमारी ऊर्जा को मैच कर दे। आपके बस की पूरे जीवन है, पूरे जीवन का, अब मैं किसी को ये नहीं बोलूंगा कि दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, काहे कहते हैं दूसरा जन्म लेने के परी, नहीं जन्म में कम टों के लिए बनी का दूसरा जन्म हम ली, शर्म नहीं आता है आपको बोलने में, दूसरा जन्म क्यों लेना पड़ेगा दूसरा जन्म भाई, हम इसी जन्म में इतना कर देंगे ना कि धरती जब तक रहेगी तब तक मुझे याद करेगी, दूसरा जन्म लेने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है, मैं इतना अच्छा कर्म कर जाऊंगा
चाहे वह मेरे परिवार का हो लिए हो, मेरी बीवी के लिए हो, मेरे माँ के लिए हो, मेरे पूरे समाज के लिए हो, मेरे भाषा के लिए हो, मैं इतना कर जाऊंगा। मेरे पास कुछ नहीं था, मैं गरीब का बेटा था, हूं और आज भी रहूंगा और आजीवन रहूंगा। आपके जैसी आवाज भगवान ने मुझे नहीं दी तो उसका ताना मुझे मत मारिए आप, भगवान ने दिया है आपको। लेकिन मैं इस दुनिया में आने के बाद सब कुछ अपने मेहनत के बदौलत बनाया, लोगों के प्यार के बदौलत बनाया। अच्छी आवाज के अलावा आपके अंदर एक गुण हो तो पूरी इंडस्ट्री बता दे। ये शब्द बहुत बुरा लगा मुझे, हमारा ज्यादा चिल्लाया बेटा, हम चिल्ला दे ना तो नस फट जाएगी, बुझा गई। सम्मान करता हूं तो सम्मान करवाना सीखिए। जो मुंडी नीचे किया ना स्टेज पे, वहीं से हमें दिमाग, तू तो जानता रहा कि हमें में दिमाग रहेला, तो के पता तो बा ना। आप गरिमा है, भाषा का गरिमा है, आप भोजपुरी समाज के धरोहर हैं। आप ये मत बोलिए कि हमने लकीर खींची है, का खींच ले बड़ा जले का, हाँ ये खींच ले बड़ा, लकीर नहीं का खींच ले भैया, हाई खींच ले बड़ा, जितना खींचे के भाई, इमें तो तार इमें तो तरह के अवार्ड देवे के चाहिए है। भिखारी ठाकुर ने कुछ नहीं किया हमारी भाषा के लिए, वो तो ऐसा ही आई ले ड्रामा का भी चल गई ले। सरदार सिन्हा जी ने कुछ नहीं किया, आपने क्या किया है इन लोगों को बताना, लोगों को बताना पड़ रहा है आपको, तो फिर क्यों किया है? का है, मैंने कहा कि लोग के बतावे के पड़ता कि मैंने ये किया मैंने वो किया, लोगों को पता होना चाहिए आपने ये किया वो किया, क्यों पता नहीं है? कहा पावर हो गई बा, ताकत हो गई बा, कुछ लोगों के ढेरे लागत है, कुछ ज्यादा ही हो गई बात, जितना लोग लागत है ना कि खेसारिया बहुत कमजोर बा, तो तू हमारे से एक दिन लड़िए लो, एक दिन अखाड़ा पूरा भोजपुरी में अखाड़ा खोला जाओ, कुश्ती कर लिया, तब समझ में आ जाए केकरा लगे कितना ताकत बा।